हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बजाज पल्सर 150 ड्यूल डिस्क वेरिएंट वाली बाइक। मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि पल्सर 150 ड्यूल डिस्क में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसका वीडियो बनाने की भी रिक्वेस्ट की गई थी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस बाइक को अगर आप देखेंगे तो ये दिखने में सेम पल्सर 180 के जैसे ही दिखती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बाइक में जो टायर का साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इसका टायर का साइज़ बड़ा कर दिया गया है। सिंगल सीट को हटाकर इसका जो सीट है उसको स्प्लिट सीट कर दिया गया है और अब इसकी सीट पल्सर 180 के जैसी ही दिखती है। अगर आप पिलियन ग्रैब रेल की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्प्लिट ग्रैब रेल दिए गए हैं, और ये ग्रैब रेल भी आपको पल्सर 180 में देखने को मिलते हैं, स्प्लिट डिजाइन में इनको दिया गया है। अब आपको इस बाइक में दिया गया है ड्यूल डिस्क, और इसीलिए ये बाइक का नाम है पल्सर 150 ड्यूल डिस्क। सस्पेंशन सेटअप भी इसमें पल्सर 180 वाला ही दिया गया है। अगर आप पहले वाली जो पल्सर 150 है उससे इसके कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो सस्पेंशन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पल्सर ड्यूल डिस्क में आपको किक नहीं दिया गया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको जो किक मिलता था पुराने वाली 150 में उसको हटा दिया गया है। अब आपको अगर स्टार्ट करना है गाड़ी को तो आप इलेक्ट्रिक स्टार्ट का जो ऑप्शन दिया गया है उसको यूज कर सकते हैं। हैंडल बार में भी चेंजेस किए गए हैं, और मेरे हिसाब से आपको हैंडल बार पल्सर 180 वाला ही दिया गया है और उसके जैसा इसका डिजाइन दिया गया है। मीटर में बैकग्राउंड वाइट दिया गया है। अगर आप देखेंगे इसके मीटर को, जो बैकग्राउंड जो स्टिकर दिया गया जाता है उसका कलर वाइट है, और इसकी जो बैकग्राउंड में लाइट है जो बैकलाइट बोलते हैं वो ब्लू कलर की है। गियर लीवर का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज किया गया है, और आपको सिंगल साइड गियर लीवर दिया गया है पल्सर 180 के जैसा ही। चेन कवर हटा दिया गया है और चेन स्प्रोकेट नया लगाया गया है पल्सर 180 के जैसे, और अब आपको चेन की आवाज़ की जो दिक्कत आती थी वो भी नहीं आएगी क्योंकि इसका जो चेन का कवर था ऊपर से वो हटा दिया गया है। और दोस्तों, आपको बता दूं इसका जो स्विंग आर्म भी चेंज करके पल्सर 180 का स्विंग आर्म इसमें दिया गया है, और पीछे का जो टायर है उसकी साइज़ है 120x80, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। अगर आप पुराने वाली पल्सर 150 को देखेंगे तो उसमें आपको 100 साइज़ का आपको टायर मिलता था, लेकिन इसका जो टायर है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, थोड़ा इसका टायर है उसको चौड़ा कर दिया गया है। अब जो टायर का साइज़ है वो है 120x80, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सब हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बार बार पल्सर 180 सीसी का नाम लिया है क्योंकि ये जो पार्ट्स वगैरह लगाए गए हैं, जो भी चेंजेस इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं उसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो पल्सर 180 के ही हैं। और अगर आप गाड़ी को देखोगे तो आपको ये 150 सीसी की बाइक नहीं लगेगी, इसका जो लुक है वो सेम आपको पल्सर 180 से मिलता जुलता दिखेगा। और दोस्तों, इसका जो कंप्लीट रिव्यू का वीडियो है वो जल्दी ही आने वाला है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और जो नेक्स्ट इसका कंप्लीट रिव्यू का वीडियो आने वाला है उसको भी देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।